हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार साउंड 24। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ TS7 एंड्रॉयड स्क्रीन 9 इंच का, वो भी एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ में। ये अब मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जेड लिंक जो आप एप्लीकेशन देख रहे हैं, इससे आपका एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो दोनों ही कनेक्ट हो जाएंगे, और विद IPS डिस्प्ले के साथ ये मार्केट में अवेलेबल है एंड पहले से ही अवेलेबल थी, बट ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो इसमें ऐड होके आया है, जिससे कि आप आईफोन यूजर्स भी आप TS7 को लगा सकते हैं। एंड एंड्रॉयड ऑटो एंड कारप्ले इसमें दोनों ही कनेक्ट होंगे, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। वीडियो की क्वालिटी आप देख पा रहे हैं, IPS डिस्प्ले, खुद IPS डिस्प्ले के साथ में ये आपको मिलेगा। नॉर्मल फंक्शन जो एज इट इज पहले से आते थे इसमें, ब्लूटूथ, FM, USB, AUX, रियर व्यू कैमरा सपोर्ट करेगा, स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल सपोर्ट करेगा एंड फोन लिंकिंग, मिरर लिंकिंग वो भी इसमें हो जाएगा। वायरलेस एंड वाईफाई दोनों से ही आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी पहले से ही थी, बट इसमें अब जो ऐड होके आया है वो इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इसमें ऐड होके आया है। इसमें DSP फंक्शन को भी थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, इसमें आप टच DSP भी दिया है और उसके साथ आपको इक्वलाइजर भी दिए हुए हैं, जिसमें आप अपने वीडियो के हिसाब से जैज, पॉप, क्लासिक ये सारे सेट कर सकते हैं। स्पीकर को भी आप सेट कर सकते हैं, स्पीकर की वॉल्यूम को भी सेट इसमें आप कर पाएंगे। गूगल मैप भी इसमें दिया हुआ है, मैप आप डायरेक्टली चला सकते हैं। ब्लूटूथ का इंटरफेस कुछ इस टाइप का आएगा, पिन पासवर्ड वगैरह इसमें ब्लूटूथ का दिया हुआ है। एंड अगर फैक्ट्री रिसेट पासवर्ड की बात करेंगे तो 7890 इसको फैक्ट्री रिसेट पासवर्ड है, जिससे कि आप सारी सेटिंग आप इसमें कर पाएंगे। गूगल मैप आप देख रहे हैं, गूगल मैप। एंड अब मैं आप इसमें देख लेते हैं कि इसमें TS7 अबाउट में जाके और इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। TS7 4+64GB इसमें जो कंपनी दे रही है, आ रही है इसमें 4+64GB इसमें कर रही, इसमें क्लेम कर रही है, बट मेरे हिसाब से ये 2+32GB से ज़्यादा का नहीं होगा प्लेयर। ओके, तो ये अपने मतलब माइंड में रखिएगा, 4+64GB, बट ये 2+32GB से ज़्यादा का मेमोरी इसमें नहीं होगा। बाकी मैं एक बार जब इसमें वीडियो में करके एक बार दिखाऊंगा आपको कि इसमें एक्चुअल मेमोरी कितनी है। ओके, एप्पल कारप्ले भी इसमें दिया हुआ है, सॉरी प्ले स्टोर भी इसमें दिया है। प्ले स्टोर से आप कोई भी एप्लीकेशन इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। YouTube ऑलरेडी इसमें एप्लीकेशन इसमें आ रहा है, आप YouTube डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन और Apple CarPlay और Android Auto के लिए ये साइड में आपको एक ब्लिंक करता हुआ ब्लू कलर का ये दिखा रहा है, इस पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली Apple CarPlay और Android Auto को कनेक्ट कर देगा। ओके, तो ये सारे फंक्शन एज इट इज पहले से आ रहे थे। वीडियो को एक बार फिर से मैं चला दिया हूँ तो जिससे कि आपको क्वालिटी का थोड़ा सा मिल जाएगा। क्वालिटी वाइज ओके है, फुल IPS डिस्प्ले। ये आप अपनी गाड़ी में 9 इंच किसी भी एंड्रॉयड फ्रेम के साथ, 9 इंच एंड्रॉयड फ्रेम के साथ इसको अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा है, और अगर कोई आपके कमेंट्स या क्वेरी वगैरह होंगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।